अलविश को थी माँ की आस पर मिले पिता, और वहां पर मनीषा ने बोल दिया अलविश के पिताजी को आते ही प्रणाम ससुर जी। जो मनीषा बोलती है वो मनीषा करती है। हालांकि अलविश की मम्मी आने वाली थी ऐसी ही खबरें आ रही थी, पर अगर देखा जाए तो अलविश ने भी काफी बार ये जिक्र किया है कि उनकी मम्मी की तबीयत जो है खराब रहती है। और अगर व्लॉग्स में हम लोग देखें तो ज्यादातर आंटी जो है वो बैठी हुई रहती हैं और काफी ज्यादा टैबलेट्स जो है उनके पास में रहती है, तो यानी कि उनकी तबीयत खराब है और वो ट्रैवल ज्यादा नहीं कर सकती हैं, ये एल्विश ने भी बोला था। जिसके चलते हुए फिट पापा जो है घर के अंदर आ चुके हैं। पापा को देख के भी काफी ब्रेव जो है फील कर रहे हैं और काफी ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। बोलते हैं ना, मम्मी जब सामने आती तब प्यार करती है और मम्मी गोद में उठाती है कि जितना मैं देख रही हूँ उतना मेरा बच्चा देखे, पर पिता जो है कंधे पे बिठाता है और ये बात बोलता है जितना मैं देख रहा हूँ उससे भी ज्यादा कहीं मेरा बेटा देखे, मेरा बच्चा देखे। तो ये एक पावर रहती है पिता की, आ चुके हैं, आते जो है सबको मिले हैं, गले तो लगाया फुकरा इंसान को भी गले लगा दिए, दोनों भाई जो है एक पिता के गले लिपट चुके हैं। हालांकि एल्विश को मम्मी भी मिल गई, यानी कि फुकरा इंसान की मम्मी माँ के जैसा प्यार करके गई, और वहीं पर पिताजी आए जहां पर फुकरा इंसान को पिता की कमी महसूस हो रही होगी, तो जहां पर पिताजी की जो है कमी पूरी करते हुए एल्विश के भी पापा नजर आए। ससुर जी बोल दिया है, जहां पर काफी ज्यादा हंस रही हैं, बहुत अच्छी तारीफ कर रही हैं, काफी अच्छी एनर्जी के साथ आए हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि टीचर है, टीचर्स का थोड़ा मतलब कि बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रहता है। अभी देखेंगे कि आखिरकार कैसा माहौल बनाते हैं, क्या बातें करते हैं। इंटरेस्टिंग करेक्टर तो है, अभी और भी कितना इंटरेस्ट जगाते हैं, मजा आएगा। क्या कहते, कैसे लगे अलविश के पिताजी, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।